दोस्तों एक बार फिर मैं सुनील शुक्ला एक नए तसव्वुर के साथ। वो आंटी की तरफ देखकर बोले, अरे भाई सुनो, सुनील आए हैं, चाय वाय कुछ लाओ। आंटी गुस्से से बोली, मुझे मालूम है। अंकल मुझसे बोले, आज तुम्हारी आंटी मुझसे बहुत नाराज़ है। तुम्हारी आंटी ने आज मुझे सब्जी लेने के लिए बाजार भेजा, साथ में पैसे और झोला भी दिया। अब हम जैसे ही बाजार में घुसे तो देखा कि एक सब्जी वाला एक तरफ मथुवाला, मीना, नरगिस और वहीदा के पोस्टर रखे था, दूसरी तरफ देवानंद, राजकुमार, धर्मेंद्र और राज कपूर के पोस्टर रखे थे और ढेर सारे स्टार्स के उम्दा पोस्टर रखे थे। अब तुम्हें मालूम है कि मधुबाला, मीना, देव साहब मुझे कितने पसंद हैं और मैं इनके पोस्टर खरीद लिए और सब्जी के लिए पैसे ख़त्म हो गए, मैं घर आ गया। तुम्हारी आंटी ने मधुबाला को देखा, गुस्से से लाल हो गई। तुम्हारी मधुबाला का मैं क्या करूं, छौकू की बघारूं। तुम्हारी आंटी ने फिर पैसे दिए और झोला दिया और बोली कि इस बार सब्जी ही लाना, फिर मधुबाला को ना ले आना, नहीं तो आज खैर नहीं। जब से मधुबाला को देखा है तुम्हारी आंटी, तब से गुस्से में। बात इतनी सी है, अब मैं ना हंस पा रहा था न दुख जता पा रहा था। चाय आ चुकी थी, आंटी ने कहा, सुनील चाय पियो। मैंने चाय ख़त्म की और पोस्टर को देखा तो वह आर्चीज के थे। कहा जाता है कि आर्चीज को शुरू करने वाले अनिल के घर में साड़ियों का बिजनेस होता था और अनिल इस बिजनेस से इत्तफाक नहीं रखते। अनिल बोले, मैं कोई बिजनेस कर लूँगा। एक दिन अनिल ने अपनी दुकान में एक तरफ 200 पोस्टर मधुबाला और मीना के, दूसरी तरफ 200 पोस्टर देवानंद और धर्मेंद्र जैसे पोस्टर रख लिए। अब हुआ क्या, 2 बजे तक सारे के सारे पोस्टर बिक गए। जिसने साड़ी खरीदी उसने पोस्टर भी खरीदे। अब इस घटना ने अनिल की दिशा तय कर दी और आर्चीज की इमारत खड़ी हो गई, जो देश और दुनिया में आज भी सम्मान के साथ कायम है। आर्चीज एक मजबूत ब्रांड है जो गिफ्ट की दुनिया का बेताज बादशाह। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।